सही मायने में तभी संभव है जब हमारे भीतर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब पूरा देश, पूरा सिस्टम, हर देशवासी, हम सब मिलकर के आत्मनिर्भरता की दिशा में चल पड़े। कोरोना संकट से पैदा हुई स्थितियों के बीच भारत यही काम कर रहा है, सरकार यही आत्मविश्वास जगाने में जुटी है। समाज के जिस तबके तक अक्सर सरकारें पहुंच नहीं पाती थी, आज उन तक सरकार के संसाधन और संवेदना दोनों पहुंच रही है। अब जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ही लीजिए, लॉकडाउन के तुरंत बाद पहला कदम यह उठाया गया कि देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब साथियों तक मुफ्त खाना पहुंच सके, उनकी जेब में थोड़ा बहुत खर्चे के लिए व्यवस्था रहे। और जब लॉकडाउन उठाया गया तब सरकार को लगा कि आने वाला समय तो बरसात का भी है, त्योहारों का भी है, और हमारे यहां तो दिवाली और छठ पूजा तक अब तो त्योहार ही त्योहार चलते रहते हैं, और सभी संप्रदाय सभी धर्मों के त्योहार रहते हैं। ऐसे में गरीबों को ये मदद मिलती रहनी चाहिए, इसलिए इस योजना को जारी रखा गया। अब गरीब परिवारों को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में भी सरकार पूरा अंशदान दे रही है। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से उन साथियों की सूद भी ली गई है जिनकी सिस्टम तक सबसे कम पहुंच पा होती थी। आज इस योजना से रेहड़ी ठेला लगाने वाले लाखों साथियों को 10,000 रुपये तक के सस्ते ऋण बैंक से मिलने लगे हैं। हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी हमारी ये साथी अपने छोटे से कारोबार को बचा सके, चला सके। हमारे यहां इन सारी चीजों को कभी प्राथमिकता नहीं रहती थी, लेकिन एक संवेदनशील सरकार होने के कारण, देश की भावी पीढ़ी को समर्पित होने के कारण आज हम लगातार कदम उठा रहे हैं। यानी एक तरफ छोटे लघु कुटीर उद्योगों और बड़े उद्योगों के बारे में सोचा गया, तो दूसरी तरफ इन छोटे लेकिन उपयोगी कारोबारियों की भी चिंता की।